हैप्पी इंडिपेंडेंस डे साना है तो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस सुबह का टाइम है और हमने यहाँ पर झंडा लगा लिया अपने घर के ऊपर और एज यूजुअल पम्प पम्प की आवाज। करते हैं उस वाले नगमे से, यूदी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। गाइज मैं और सिंगिंग नहीं करूंगी वरना मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे। बस जश्न आजादी वाले दिन एक अलग ही खुशी इंसान को होती है। और ये देखिए जी, मेरा कजन आज भी परिंदों के लिए बाजरा रखने आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? हमें बेजुबान परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए। वेरी नाइस। हो गई हूँ मैं 14 अगस्त के लिए रेडी। मैंने पहना है अपना ये वाला ट्राउजर, साथ में अपनी ये ग्रीन शर्ट और उसके साथ ये वाइट दुपट्टा। तो ये लग रहा है कुछ इस तरह। चलिए जी, ये बैच भी अभी मैं लगा ले। ये देखिए, ये बैच भी मैंने लगा लिया है। मैं पहन लेती हूँ ये वाले ग्रीन कलर के बैंगल। और ये देखिए जी, और मैं पहनूंगी ये छोटे छोटे व्हाइट वाले स्टड्स। ये मिली है मुझे एक ग्रीन कलर की रिंग, तो ये भी पहन लेते हैं। इसके हाथ में मैंने पहन लिया है ये ब्रेसलेट। और जी यहाँ मैं कर रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटो शूट। मतलब ये बैज इस तरह दो उंगलियों के बीच में पकड़ना है और इस तरह पिक्चर लेनी है। ये मैंने पिंटरेस्ट में देखा था। ये देखिए, इस तरह का कुछ करना है। सी पिक्चर लेने के लिए आ गई हूँ मैं यहाँ। और ये कुछ इस तरह लेनी है कि ये हाथ इस तरह रखना है। और अब अभी लेनी है, मैं पिक्चर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैं ले रही हूँ थर्ड पिक्चर इंस्टाग्राम के लिए, फिर मुझे जौन सी पसंद आएगी वो मैं लगा लूँगी वहाँ पर। तो लंच में हमारे घर में बने थे चावल और मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं किसी भी टाइम आप लोग मुझे चावल दे दें मैं खा लूँगी। तो चलिए मैं भी सिखाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, शाम का टाइम है और मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और पता नहीं मैं इस अच्छे मौसम से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हूँ। जब भी मौसम अच्छा होता है मैं कैमरा उठाती हूँ और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा बिल्कुल नीचे जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बस सही रौनक लगी हुई है ना। और ये जो टैक्सी ड्राइवर्स ने झंडे लगाए अपनी गाड़ियों के ऊपर ना, ये बस रिस्पेक्ट के काबिल हैं। क्योंकि इतनी गुर्बत में भी इंसान इस तरह झंडा लगाए तो बस फिर शो होते हैं कि सच में अपने वतन से मोहब्बत है। ये देखिए गाइस, इकबाल के शाहीन से गाड़ियां बढ़ बढ़ कर निकले आज़ादी मनाने के लिए। और ये बाजों की आवाज़ आप लोग एक हद तक सुनते हो ना, तो फिर आपको रोना भी नहीं आता, फिर आपको हंसी आती है कि बस ये बंद होने नहीं वाले और मुझे और रोना भी नहीं आ रहा। तो अभी ये सिचुएशन है। आप घर के बच्चों को चुप करा भी सकते हैं मगर बाहर वालों का क्या करेंगे। कि ये देखिए, ज़रा कोई बात भी नहीं कर सकता। ये बाइक्स पर जिसने झंडे लगाए हैं ना और साइकिलों पर, ये असल में पेट्रियोटिज्म की ट्रू स्पिरिट है। कि अगर हमारे बैठने की जगह हो या ना हो, हम झंडा जरूर उठा कर चलेंगे। भाई वाह। देखिए कुछ लोगों ने दो दो झंडे लगाए हैं, एक पीटीआई का और एक पाकिस्तान का। और ये देखिए पीटीआई फैंस भी जा रहे हैं। गाइस कंटेंट कंटेंट मिल रहा है। बस हर एक के सेलिब्रेट करने का अपना अंदाज होता है। थैंक्स टू कायदे आजम जिसने इस आवाम को इतनी खुशियां दी। और गाइस ये देखिए, ये किला बाले हिसार है और इसे कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है 14 अगस्त के लिए। ये देखिए गाइस, हमारा झंडा शाम के टाइम मज़े से अपना लहरा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है।
गाइस ये देखिए, ये आसमान का कलर कितना खूबसूरत हो रहा है, इतना अट्रैक्टिव है, बस अल्लाह की कुदरत है। और ये देखिए गाइस, दिन ढल चुका है मगर ये पम्प पम्प अभी तक नहीं ख़त्म हुआ लोगों का। पाकिस्तानी बच्चों के पेपरों के लिए एक बार आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। कि मुझे इतना फनी मीम मिला, कादियाज़म के 14 नुक्कड़ जो आपके 14 तबक रोशन कर देंगे। डीपी चेंज करनी है, झंडा लगाना है, ग्रीन ड्रेस पहनना है, बीज लगाना है, बाजा लेना है, पड़ोसियों के घर जाकर बजाना है और ऊंची आवाज़ में बजाना है, और ऊंची आवाज़ में बजाना है कि सोया बंदा उठ जाए, बस बजाए जाना है, बाजा सांस नहीं लेना बजाते हुए, इतना बजाना है कि सबको पता चले बजा लिया है, सारा जोर लगा कर बाजा बजाना है, सारा दिन कुछ नहीं करना बस बाजा बजाना है, जो बाजा ना बजाए उसका बाजा बजाना है। और हाँ, अहम नुक्कात, यार की गली में बाजा बजाना इश्क है, जितनी ऊंची आवाज़ में बजाया बाजा उतने ही ऊंचे लंबे चौड़े मुहिब्बुल वतन माने जाएंगे। ये नुकात कादियाज़म ने सिर्फ मुझे बताए हैं, कॉपी ना करना। ये देखिए, ये किसी ने सही तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। और पहले तो मतलब मुझे भी बाजों की आवाज़ सुनकर थोड़ा मतलब रोना क्या, बस फिर बाद में हंसी आ रही थी, मगर ये है कि बस मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बाजे की आवाज़ पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि चलो बाजे की आवाज़ थी, किसी और चीज़ की नहीं थी। गाइस आपसे एक बात करनी थी कि 14 अगस्त के बाद आप लोगों ने ये झंडा बिल्कुल नहीं फेंकना, अपने साथ रख ले, बेशक दोबारा अगले 14 अगस्त को आप रीयूज़ कर लें, क्योंकि ये झंडा हमें हमारे बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मिला है, और यही झंडा है जिसमें हमारे शहीदों का जिस्म लपेटा जाता है। और गाइस ये मैं भी करती हूँ, और आप लोग भी इस तरह करें कि आप लोग 2 रकात शुक्राने के नफल अदा करें और अल्लाह को थैंक यू करें कि उन्होंने हमें इस आज़ाद इस्लामिक कंट्री से नवाजा है। और अल्लाह पाक से काफ़ी दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह पाकिस्तान को और भी तरक्की दे और पाकिस्तान के सारे मुश्किल दूर हो जाएँ। होपफुली आप लोग को ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम इस मुल्क का फ्यूचर है, हम इस मुल्क के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, हमेशा अपने परचम को इस तरह ही बुलंद रखेंगे।